असलमैलिकम कैसे हैं जी आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हैं भले चंगे हैं और मेरी अल्लाह तला से दुआ है कि सब भले चंगे रहें हंसते मुस्कुराते रहें खुश हो रहें अल्लाह सब को हर तरह की तकलीफ़ों बीमारियों परेशानियों से महफूज फिरमाए आमीन शुआन गर्मी बहुत डाढ़ी पई है जी <laughs> अच्छा जी नाश्ता नाश्ता कर रही हूँ चाहिए बगैर मेरा गुजारा नहीं है भाई गर्मी है या सर्दी है या जो मर्ज़ी है ख़जा है बाहार है चाय मैंने पीनी ही पीनी है चाय मेरी गुटी में शामिल है <laughs> तो नाश्ता मेरा यही था बस आज मेरा थोड़ा अंडा खाने का दिल चाह रहा था अंडा इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अंडा इसलिए मैंने खाया काफ़ी दिन हो गए थे तो मेरा दिल चाह रहा था अंडा खाने को सो so, मैंने चाय और वन टोस्ट और एक अंडा मैंने खा लिया और मेरी वही रोटीन जो मैंने आपसे कल भी शेयर की थी जो मेरी अब हुआ करेगी घर में रोटीन हमारी समर वेकेशंस में और ये पूरी जुलाई के मंथ तक हमारी यही रूटीन रहेगी सो नाश्ते के बाद सुबह की पढ़ाई हो रही है और ये हादी साहब हैं बच्चों को मैंने नहला दुला दिया था फ़्रेश करवा दिया था और ये यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आराम से पिलो रख के उनमें कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो जनाबे वाला अपनी एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं अच्छा जी आज बहुत स्पेशल चीज़ आपसे ज़बरदस्त धमाकेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ यूनिक रेसिपी है चिकन जल फ्रेजी की छोटा मोटा किसी को बिजनेस भी करना है छोटा सा रेस्टोरेंट ढाबा रेड़ी या घर से कोई औरत कोई लड़की कोई लेडीज़ करना चाहती हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है बाबा फूड आर आर सी आपने शेफ़ रिजवान जो हैं बाबा जी उनका ज़रूर देखा हुआ होगा चैनल किसी ने नहीं देखा ऐसा हो नहीं सकता फोर मिलियन को जिनके सब्सक्राइब टच करने वाले हैं माशाल्लाह से बहुत ही अल्लाह वाले खुदा तरस बंदे हैं गरीबों की बहुत मदद करते हैं अल्लाह ताला उनको और बरकत अता फरमाए उनकी आमीन आमीन तो जी ये सुबह जलफ्रेजी की रेसिपी है जो आज तक मेरा कहीं दिल नहीं ठहरा मैंने काफ़ी लोगों को फॉलो किया काफ़ी लोगों की मैंने बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल्स किए और बड़े बड़े अच्छे लोगों की मैंने रेसिपीज जो है वो फॉलो की हैं लेकिन ये चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी आज जो मैंने की है ना ये भी मैंने जस्ट एक ट्राई किया था कि ट्राई करते हैं देखते हैं कैसी बनती है थोड़ा सा मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा था उसको मैंने फिंगर्स में स्टिप्स में काट लिया ठीक है और हल्का सा चॉप किया हुआ लहसन था जो मैंने नाइफ़ की मदद मतलब से चॉप नहीं किया था मैंने उसको आ, कूट कर चॉप किया था ठीक है अच्छा पेस्ट वेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना बहुत ज़्यादा कूटना नहीं है मोटा मोटा सा उसको ना कूट कर चॉप करके आपने उसको लाइट से एक चम्मच ऑयल डालकर एक चम्मच खाने का बड़ा चम्मच वो डाल के इसमें और चिकन को इस तरह से थोड़ा सा स्टर कर लेना है ठीक है स्टर फ्राई कर लेना है थोड़ा सा हल्का सा ये ज़्यादा वन मिनट मैंने किया होगा ऑलमोस्ट वन मिनट ठीक है और कुछ भी नहीं किया था बाकी इसके बाद मैंने इसमें कर दिए थे कुछ स्पाइसिस ऐड कर दिए थे ठीक है जिसमें नमक था धनिया पाउडर था उसमें ज़ीरा पाउडर था उसमें लाल मिर्च का पाउडर था उसमें हल्दी थी ठीक है जी ये चीज़ें थी और इनके जो क्वांटिटी है वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी मैं और बाकी जो रेसिपी को जो मेथड है जो स्टेप्स हैं वो यहाँ से आप देख लें फॉलो कर लें ठीक है तो जी अच्छा एक एग्जैक्ट वही रेसिपी है जो मैंने बाबा फूड आर आर सी की देखी है एग्जैक्ट वही रेसिपी है ठीक है और ये अभी इनमें सारे इन्ग्रीडियंट्स इसमें मसाला जात ऐड कर रही हूँ इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और मैं इसको कवर करके रख दूँगी चिकन थोड़ा सा अपना पानी रिलीज़ करेगा और हल्की आँच पर बिल बिल्कुल दम वाली हल्की सी आंच पर इसको मैं रख दूंगी और चिकन अपना पानी रिलीज करेगा और उसमें थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा गलाऊंगी ठीक है वैसे इतना ज़्यादा कोई गलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिप्स काटी हुई हैं और अभी इसको मजीद भी पकना है नेक्स्ट स्टेप में पकना है अभी सो so, मैंने अभी इसको कवर कर दिया थोड़ा सा इसको मैंने कर करके अच्छा मेरे पास ना अब मैंने थोड़ी सी बनानी थी ठीक है क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं बच्चे या हस्बैंड वो खाएंगे या नहीं खाएंगे या क्या होगा बहरहाल मुझे थोड़ी सी बनानी थी जितना मेरे पास चिकन अवेलेबल था सो so, अब मैं बना रही हूँ ये इसके लिए इस रेसिपी का एक स्टेप है इसमें मैं अंडा भी डालना है ठीक है एक अंडा सिंपल सा आप मुर्गी का अंडा ले लें का नहीं लीजिएगा मुर्गी का अंडा लेना है ठीक है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया ठीक है एक चुटकी नमक डाला और बाकी उसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर जो जर्दे का रंग होता है ना येलो फ़ूड कलर ठीक है लिक्विड होता है आपके पास आप लिक्विड डालें मेरे पास पाउडर था तो मैंने हल्का सा वही डाला एक से डेढ़ मेरे पास चुटकी थी तो मैंने वो डाल दिया ठीक है उसके बाद अच्छा सा उसको बीट करना है सही है बीट करके मैंने साइड पर रख दिया और यहाँ पर अब ये चिकन था ये इसका बिल्कुल पानी इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका था बिल्कुल ये ड्राई हो चुका था आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे वो कड़कड़ा सा चिकन हो चुका था ये ठीक है इसका मसाला और चिकन के अलावा अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ था मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और लाइट सा ये ग्रीसी ग्रीसी ऑयल की वजह से है वो भी ऑयल इतना जो चिकन उसको अब्ज़ॉर्ब कर चुका है ठीक है अब मैंने इसको साइड पर लगा दिया ठीक है अब मैंने फ्राई कर लेना है अंडा इसमें भी मैं बिल्कुल एक वन टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालूंगी वो ऐड करूंगी इसको थोड़ा सा गर्म होने का वेट करूंगी और उसमें मैं बीट किया हुआ अंडा जिसमें मैंने डाला था आ, येलो फूड कलर और एक चुटकी नमक डाला था ठीक है वो सब मैंने डाल कर अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया और अब मैं बस इसकी जो है वो इसको फ़्लिप कर दूँगी इसकी साइड्स में चेंज करूँगी और इस तरह से ये पक जाएगा तैयार हो जाएगा और काफ़ी फ्लफी हो जाएगा ये फ्लफी क्यों हुआ था जो मेरे ख़्याल से कि अगर इसमें मिर्चें हो तो फिर ये इतना ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होता ठीक है इसमें सिर्फ नमक था और आपको पता है कि नमक भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करता है तो और इसमें फूड कलर था आ, वैसे वो लिक्विड तो नहीं था आई थिंक सो के ऐसा नहीं हुआ होगा जस्ट नमक की वजह से ये था इतना फ्लफ़ी अंडा हो गया था ठीक है और बीट भी, भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको गिया था अब अंडे को मैंने साइड पर कर लिया उसको मैं छोटा छोटा चॉप कर लूँगी ठीक है छोटा 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 जैसे कि चिकन की स्ट्रिप्स थी उसी तरह से उसको मैंने अंडे को भी उसी शक्ल में कट कट कर दिया ठीक है अभी एक और पैन ले लिया अलग से और उसमें फिर से थोड़ा सा ऑयल ऐड किया लेकिन पहले की नस्बत थोड़ा ज्यादा यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने टू टेबल स्पून उसमें ऑयल ऐड किया और उसमें क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई एक शिमला मिर्च और एक दरमिया साइज़ का प्याज था जिसमें से अंदर का छोटा छोटा हिस्सा मैंने काट के साइड पे कर दिया था क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी हमें कीब्स चाहिए थे प्याज के तो उसके साइड वाला जो था ज़्यादा जो होल होता है ज़्यादा उसकी लेयर्स होती हैं वो बड़ी बड़ी वो क्यूब्स की शकल में मैंने काटी और एक शिमला मिर्च क्योंकि चिकन की कोंटी के कौंटी के अकॉर्डिंग ही मुझे शिमला मिर्च और प्याज चाहिए था ठीक है तो अब इस ऑयल में इसको सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल में चिकन प्याज और शिमला मिर्च को डाल के फ़्राई कर लिया ठीक है अब इसको दम वाले फ्लेम पे रख के कवर कर दिया ताकि ये भी थोड़ा सा अपना पानी रिलीज करेंगे और हल किसी गल जाएंगे माइनर सा इनको गलाने आप उनकी शक्ल देख ली ठीक है और तकरीबन तक़रीबन आधा कप टेटो प्लेन टमाटो केचप है गार्लिक चिली सॉस वगैरह नहीं है ये प्लेन टमाटो केचप है ठीक है और मैंने मेरा होममेड नहीं है मैं मार्केट से ही लाती हूँ ठीक है बाबा जी ने जो अपनी रेसिपी में डाला था वो था उनका अपना बनाया हुआ ठीक है वो उनकी चैनल पर रेसिपी मौजूद है मैं किसी दिन वो भी बनाऊंगी इन और वो भी आपको बताऊंगी कि मैंने बाबा जी जो शेफ़ रिजवान है बाबा आ फूड आर आर सी चैनल को मैंने फॉलो किया और उनकी मैंने एटो एट कैचअप बनाई है रेसिपी ठीक है अच्छा अभी इसमें मैंने ये कैचअप ऐड कर दिया तो अभी ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से पका रही हूँ हल्का सा पकाना है बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वन मिनट आप कुक कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पे ठीक है उसमें बाकी का चिकन जो था वो जो भी तैयार हुआ था उसमें स्पाइसेस सारे ऐड थे इसके अंदर कोई स्पाइस नहीं जाएगा जहाँ पर आपने वेजिटेबल को स्टर किया था ठीक है कैचअप डाला था इसमें अलावा कैचअप के कोई और स्पाइस नहीं ऐड होगा ठीक है चिकन डाल दिया था ठीक है जी अच्छा जी अब इसका फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे थोड़ा सा चिकन को डाल दिया हर चीज़ को थोड़ा सा उसका टेस्ट एक दूसरे में जो है वो डेवलप करने के लिए उसको हल्के फ्लेम पे दम के फ्लेम पे रखा और वो थोड़ा सा ड्राई भी होगा ठीक है काफ़ी हद हाँ तक ड्राई हो गया और हमें ड्राई ही करना था इसको थोड़ा बहुत अब इसमें ऐड होने जा रहे हैं टमाटर टमाटर वो को मैंने स्लाइसिस की शक्ल में काट लिया एक टमाटर था दरम्याने साइज़ का उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था और उसका जो पल्प था अंदर से वो मैंने सारा रिमूव कर दिया सिर्फ और सिर्फ हो उसके स्लाइसिस जाएंगे पल्प जो अंदर होता है ना उसका जो वो लिक्विड सा होता है लेस सी होती है झिल्ली सी उसकी झैली सी बनी होती है और उसमें शीड होते हैं वो पल्प सारा निकाल देना उसका कोई करेक्टर नहीं है और वो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अजीब कर देगा वो ख़राब कर देगा ठीक है अभी इस स्टेज पर आज ताकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं चाहिए इसलिए भी पल्प टमाटर का ऐड नहीं करना ठीक है अब थोड़ा सा टमाटरों को थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा सोते होने का वेट करना है जो कि हमें एक मिनट भी नहीं लगा और उसके बाद जो मैंने क्रश कर दिया था अंडा फ्राई किया हुआ उसको भी इसमें ऐड कर देना ठीक है अंडे में सिवाय नमक और येलो फूड कलर के और कुछ भी नहीं था ठीक है कोई मिर्ची वगैरह ऐड मत कीजिएगा तो अब इसको थोड़ा सा इसमें कुक करना है थोड़ा पकाना है अभी भी थोड़ा मॉइस्चर बाकी है मॉइस्चर को ख़त्म कर दें मॉइस्चर वाली जो होती है जो लिक्विड सी थोड़ी सी ग्रेवी ग्रेवी टाइप सी होती है चिकन जलफ्रेजी वो वो चीज़ नहीं होती है जो आपको ये मिलेगी ठीक है इसका और उसका बहुत फ़र्क होता है हाँ वो भी होती है मंचूरियन स्टाइल की लेकिन वो नहीं आप ये बनाएं इन आप बहुत सेटिस्फाई होंगे मेरी तो वाह वाह होगी भी पूरे घर में <laughs> सो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और देखिए कितनी मज़ेदार किस्म की लुक आ रही है अच्छा इतनी कोई रेसिपी है बस ये कि थोड़ा वेजिटेबल्स और चिकन और ये चीज़ों को आपको रेडी करना है इसको आप, आपने कट करना है अदरवाइज़ कोई लंबा चौड़ा ये इसके लिए कोई वो नहीं आपको टाइम ढेर होनी चाहिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ तैयार हुई है और इतनी जल्दी जल्दी मैंने झटपट में की इसके साथ मैंने वाइट राइस बना लिए थे प्लेन वाइट राइस क्योंकि बाकी सबको खाने थे मैंगोज़ के साथ क्योंकि मेरे बेसिकली जो इन लॉज हैं वो हैं सिंधी मैंने आपको पहले भी बताया है वाइट राइस और मैंगो खाना उनकी फेवरेट डिश होती है ठीक है मरगूब गसाए गर्मियों की सो तो बाकी सब ने मैंगोज खाए थे ये भी ये भी सब ने टेस्ट किया था थोड़ा थोड़ा सा सब ने ये भी टेस्ट किया था साथ में वाइट राइस के और मैंने तो खाना ही यही था क्योंकि मेरा तो बिल्कुल टेस्ट डेवलप नहीं है कि मैं उसको उसके साथ खाऊंगी रा, राइस के साथ मैंगो खाऊंगी सो जी हम मुझे इजाज़त दें मैं बहुत थक गई अल्लाफ़